नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में वो कौन सी कृषि फसलें हैं जो जोरदार मुनाफा देती हुई नजर आ सकती हैं, जिनके अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है और जो आने वाले दिनों में भी शानदार तेजी आपको देती हुई नजर आ सकती है, बेहतरीन मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कैसे सीड का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीर का वायदा बाजार आज एक बार फिर से 6400 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं इस वक्त 6478 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है कैसे सीर का दिसंबर वायदा। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2697 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तीन फीसदी से ज़्यादा का ऊपरी सर्किट है, 2703 का हाई लगा चुका है। जो बाजार के जानकार लगातार बता रहे थे कि बिनौला खल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी, बिनौला खल 2600 के बाद 2700 के लेवल पर जाता नजर आएगा, वो हमने महज सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही देख लिया कि बिनौला खल ने 2600 के ब्रेकआउट देने के बाद 2700 का जो लेवल है वो टच कर लिया है। बात करें यहाँ से मसालों की, तो मसालों में कल के मुकाबले आज थोड़ी सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिला है। मसालों में बीते सत्र के मुकाबले आज एक हल्की मुनाफा वसूली दर्ज की जा रही है, चाहे धनिया हो, हल्दी हो या फिर जीरा हो। धनिया हमने कल के कार्रवाई सत्र में 9100 पर ट्रेड करता देखा था, आज देख रहे 8900 के घरों में है। वहीं जीरा हमने 16600 तक जाता देखा था, आज 16100 पर है। वहीं हल्दी 8000 तक जाती देखी थी और आज 7600 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। तुम देख रहे हैं कि मसालों में कल के मुकाबले आज एक हल्की नरमी बनती नजर आई है। बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्वार का दिसंबर वायदा इस वक्त 11030 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 6095 पर। देख रहे हैं ग्वार का सुबह के मुकाबले कुछ तेजी के साथ अब देखने को मिल रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10900 के लेवल्स पर देखा था, अब देख रहे हैं 11000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि ग्वार गम 10000 से ऊपर ही रह सकता है, अभी ऐसी आशंका बनती नजर आ रही है हाल फिलहाल में ग्वार गम के अंदर। बात करें यहाँ से ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 6095 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी के साथ। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि ग्वार सीड के दिसंबर वायदे ने 5980 का लो भी लगा दिया है, तो यानी कि ग्वार सीड का जो वायदा बाजार है आने वाले दिनों में 6000 से नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ग्वार की जो कीमतें हैं, जो बाजार है ग्वार का, अभी वो वॉलेटाइल रहने वाला है, उठापटक अभी जारी रह सकती है। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि 6792 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, 6907 का हाई लगा चुका है, 3% का ऊपरी सर्किट है। आज हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में एक शानदार तेजी बनती नजर आ रही है। सोयाबीन का वायदा बाजार काफ़ी शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। सुबह के कार्रवाई सत्र में हमने सोयाबीन को 6600 के लेवल्स पर ट्रेड करता देखा था, अब देख रहे हैं कि 6900 के ऊपर का भी हाई लगा चुका है, 3% से ज़्यादा का ऊपरी सर्किट सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में देख रहे हैं कि दिसंबर वायदा 1245 पर है हल्की सी नरमी के साथ। तो सोयाबीन में जो तेजी बनी है आगे कैसी रह सकती है, आगे सोयाबीन क्या 7000 के भी पार जाएगी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। जी, बताइए अनुज जी। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में आज 3% का ऊपरी सर्किट लगता नजर आया है। सुबह को सोयाबीन 6600 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही थी, अभी देख रहे हैं 6900 के ऊपर का हाई लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से सोयाबीन में मुनाफा वसूली बनेगी या फिर 7000 का भी लेवल पार होता हुआ नजर आएगा? सोयाबीन में हमने पिछले दिन में काफी अच्छा रनअप देखा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट होगी आ सकती है, मगर फिलहाल अभी हमारा जो व्यू है वो अभी पॉजिटिव ही है। हमें लगता है कि सोयाबीन में अगेन हम 6300-6400 तक के लेवल देख पाएंगे, तो सोयाबीन और सभी खाद्य तेलों में फिलहाल अभी जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि दावों में भी तेजी का रुख देखने को और मिल सकता है। जी अनुज जी, जिस हिसाब से 6900 का हाई लग चुका है, क्या 7000 के भी पार जाती हुई नजर आ पाएगी सोयाबीन? और देखिए, हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड है सोयाबीन का वो भी पॉजिटिव ही है,
फिलहाल हमें जो हम टारगेट कर रहे हैं वो 6300 को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद हमें लगता है कि भाव करीबन 6500 तक जा सकते हैं। तो 7000 कहना मुश्किल है, मगर हाँ 6300-6500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं जी। ये सनु जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आज हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है। बिनौला खल काफी समय से 2400 से 2500 के दायरे में कारोबार कर रहा था, वही कल को हमने 2600 का लेवल टच होते हुए देखा है और आज देख रहे हैं 2700 के ऊपर का हाई लग चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल भी सोयाबीन की तरह तेजी की ओर है? देखिए खल के अंदर काफी दिनों से हमने एक स्टैग्नेंट मूवमेंट देखी थी, फिर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि खल के अंदर भी और तेजी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2800 से लेकर 2900 तक के लेवल खल में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो खरीदारी की ही हमारी रिकमेंडेशन है अभी, और 2800 तक का टारगेट यहाँ पे लिया जा सकता है जी। तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में भी तेजी बनी रहने की उम्मीद है, पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा भी बिनौला खल की कीमतों के अंदर। ये सनु जी बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर में हमने 6500 के बाद एक बार फिर से देख रहे हैं 6400 के लेवल्स पर आगे रुक गया है, आपको क्या लगता है ये सीमित दायरा कैसर में कब तक जारी रह सकता है? देखिए कैस्टर में एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, मगर अभी हमने देखा है कि भाव कुछ रुकते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जो आवक है वो बढ़ सकती है। हालांकि अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में 6500 तक के लेवल आपको एक महीने में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है। हालांकि लोअर अराइवल्स हैं, इसका भावों पे सपोर्ट रहेगा, तो ऊपर में 6500-6700 तक के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा भाव अगर नीचे आते हैं 5800-5900 तक, तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं जी। ये सनु जी देख रहे हैं मसालों में भी आज कुछ एक हल्की सी नरमी देखने को मिली है कल के मुकाबले। कल को हमने धनिए को 9100 पर ट्रेड करता देखा था, आज देख रहे हैं 8900 पर ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है क्या धनिए में यहाँ से एक बार फिर से 9000 के ऊपर का टारगेट देखने को मिल पाएगा? देखिए धनिए में मसालों में हमने एक अच्छा ट्रेंड देखा था, हालांकि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। महज एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है आज, हमें लगता है कि यहाँ पर जो ये प्रॉफिट बुकिंग है ये एक अच्छा मौका खरीदारी करने के लिए। हम दोबारा से ऊपर में 9400 तक के लेवल धनिए में देख सकते हैं, और बाकी मसालों में भी जो रिकवरी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो थोड़ा बहुत डीप अगर आता है तो खरीदारी हमारी रिकमेंडेशन है कि बाय का ट्रेड लिया जा सकता है जी। अनु जी क्या ये तेजी जीरे में भी जारी रह सकती है, क्योंकि हमने जीरे को 16600 के भी ऊपर ट्रेड होता हुआ देखा है, और एक दो ट्रेडिंग सेशंस में देख रहे हैं कि एकदम से 16100 के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं, क्या जीरा यहाँ से थोड़ा और फिसलता हुआ नजर आ सकता है क्या? देखिए जीरा में लगता नहीं है हमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अगले महीने तक इसमें 17000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मसालों के अंदर हमने इसका एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी देखी है। हालांकि जीरा की जो सोइंग है वो यहाँ पर थोड़ी कम रही है, बुआई भी कम रही है, उससे काफी अच्छा असर रहेगा। तो खरीदारी की ही हमारी रिकमेंडेशन है अभी जीरा में, और हमें लगता है कि ऊपर में आपको आने वाले महीने में नहीं, अगर हम दिसंबर एक्सपायरी तक बात करें तो 17000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं जी। ये सर मुझे बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी को हमने कल 8000 के भी हाई लगाता देखा था, आज देख रहे हैं कि 7600 पर ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है क्या हल्दी में एक बार फिर से 8000 या उससे उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, या फिर यहीं पे सिमट के रह जाएगी? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि सभी मसालों में तेजी रही है, एक्सपोर्ट डिमांड इसकी भी अच्छी है। हालांकि हल्दी में एक जो कैरी ओवर स्टॉक है वो काफी ज्यादा है, तो बट मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड और जो एक्सपोर्ट डिमांड है उससे काफी मार्केट सपोर्ट रहेगा, तो ऊपर हम अच्छे लेवल आते हुए देखेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको दिसंबर एक्सपायरी तक ऊपर में 8400-8500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की ही सलाह रहेगी जी। अनु जी बात करें अगर यहाँ से M6 कॉटन की, तो कॉटन में हमने एक अच्छी रैली के बाद कुछ नरमी आते हुए देखी है, आपको क्या लगता है क्या कॉटन में एक बार फिर से तेजी वाला दौर देखने को मिल पाएगा? देखिए बिल्कुल कॉटन के अंदर हमने जब अभी हमने देखा कि रिसेंटली टेक्सटाइल पे टैक्स जीएसटी टैक्स बढ़ाया गया है, उससे भी काफी सपोर्ट रहा है, और जो इंटरनेशनल डिमांड है वो भी अच्छी खासी है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऊपर है। हमें लगता है कि कॉटन में अभी फिलहाल हम अच्छी तेजी देखेंगे। कॉटन की जो क्रॉप भारत में है थोड़ी सी कम देखने को मिली है, जो क्वालिटी है वो थोड़ा मॉइस्चर है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट रहेगा, और हमारा मानना है कि कॉटन में आपको ऊपर में 33000-34000 तक के लेवल आने वाले 1-2 महीनों में देखे जा सकते हैं। तो ये कमोडिटी एक पॉजिटिव टेरिटरी में, हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए जी। अनु जी बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हमने काफी समय से
गिरावट ही देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली के बाद ग्वार गम और ग्वार सिर की कीमतें लगातार गिरावट दिखा रही हैं। सुबह को हमने ग्वार गम को 10,900 के लेवल पर ही ट्रेड होते हुए देखा है और अब देख रहे हैं कि 11,000 के ऊपर थोड़ा अब कुछ सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम यहाँ से तेज हो जाएगा या फिर एक बार फिर से जो गिरावट है वो गहराएगी? देखिए ग्वार गम में ट्रेंड थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर हो सकती है, मार्केट इस टाइम सपोर्ट लेवल पर है और हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से लोअर लेवल से रिकवर भी हुआ है, तो हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर आपको 6,200-6,300 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। डिमांड हालांकि अच्छी खासी है और जो सप्लाईज है वो भी कम है, तो फिजिकल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर मार्केट में 200-300 रुपए की तेजी ग्वार में और देखने को मिल सकती है। जी अनु जी, ग्वार सीड में क्या लेवल्स रहेंगे, ग्वार सीड में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार सीड भी उठता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, ग्वार के ही हम लग रहा है कि ऊपर में आपको भाव करीबन 6,200-6,300 तक के लेवल दिखा सकती है, तो यहाँ पर अभी हम 200-300 रुपए की तेजी और मान के चल रहे हैं कि आ सकती है। जी अनु जी, बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा में हमने काफी दिनों से नरमी वाला माहौल ही देखा है, आपको क्या लगता है क्या मेंथा में निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना सही रहेगा या फिर अभी इससे दूरी बनाकर रखी जाए तो ज्यादा बेटर है? देखिए मेंथा के लेवल काफी लोअर लेवल पर है और एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी खासी है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेडिंग रखना चाहिए। ऊपर में आपको 980-1,000 तक के लेवल अगले महीने तक देख सकते हैं, एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यूस बढ़ रही है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि यहाँ पर भाव नीचे आएंगे। यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी की ही सलाह है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। जी अनु जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो अगले सप्ताह भी अच्छा मुनाफा दे के चल सकते हैं? देखिए यहाँ पर ग्वार के अंदर खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी, ऊपर में आपको 6,300 से लेकर 6,500 तक के लेवल आ सकते हैं। साथ में जीरा के अंदर खरीदारी करें, ऊपर में हमें लगता है कि 17,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और सोयाबीन के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में 6,500 तक के लेवल आ सकते हैं। तो सोयाबीन, जीरा और ग्वार के तीनों में ही खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबार साथ में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।